बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है चैप्टर नंबर थर्ड से स्टार्ट करना है। हम बेसिकली हमदर्द वालों की बुक से पिछले जो पास्ट पेपर 10 ईयर्स के पास्ट पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। जो हम हर चैप्टर वाइज देख रहे हैं कि इस जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा, सेकंड में देखा, थर्ड में देख रहे हैं कि जो 10 सालों में आपके एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं, बार बार आए हैं, तो इससे आपके सारे चैप्टर की एमसीक्यूज की शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और लॉन्ग क्वेश्चन को फिर आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द मैयर ऑफ सेंट्रल एजेंसी। द मैयर ऑफ सेंट्रल एजेंसी लिस्टेड बिलो इज मीन। मीन आपको पता है मैयर ऑफ सेंट्रल एजेंसी है, और वेरियंस आपको पता है फोर्थ चैप्टर में आता है, वो मैयर ऑफ वो है डिस्पर्जन। और मूवमेंट्स भी आपको पता है फोर्थ चैप्टर में आती है, तो मैयर ऑफ डिस्पर्जन है, ठीक है। और ये रेंज भी, ये सारे आपके फोर्थ चैप्टर वाले हैं। यहाँ पे थर्ड चैप्टर वाला सिर्फ जस्ट मीन है, तो इसको मैयर ऑफ सेंट्रल एजेंसी कहते हैं, यानी कि जो डाटा का सेंटर बताता है, ठीक है। देखिए ऐसे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताती हूँ। ये देखिए हमारे पास, लेट्स सपोज मैं स्प्लिटेड डाटा ले रही हूँ, कोई और डाटा मतलब पॉजिटिवली स्क्यू या नेगेटिवली स्क्यू को डिस्कस नहीं कर रही। अब यहाँ पे देखिए गर्ल्स, हमारे पास डाटा का सेंटर बताता है। यहाँ पे मीन आएगा, हमारे पास मीडियन आएगा, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, ये सारे हमारे पास यहाँ पे आते हैं, डाटा के सेंटर में बराबर होते हैं तीनों, ठीक है। इस केस में, सिमेट्रिक केस में, अगर हमारा डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड हो, तो फिर आपको पता है डेविएशन आ जाती है। जहाँ पे हमारी पीक होती है वो मोड हो गया, उससे दरमियान में मीडियन हो जाएगा, उससे नेक्स्ट मीन हो जाएगा। लेकिन हमें जो लोकेशन, जो भी लोकेशन डाटा की बताता है, ये सेंटर बताता है, वो हमारा मीन, मीडियन, मोड होता है। ये हमारे डाटा की जो सेंट्रल रेजिडेंसी कहलाते हैं, मैयर ऑफ सेंट्रल रेजिडेंसी भी कहते हैं, मैयर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं इनको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हम एमसीक्यूज पे। एवरेज इज इजी टू कैलकुलेट, पता तो है आपको, ये आपका हर उसमें आता है। ये एक तो आपको स्टार्टिंग में गुड एवरेज की जो प्रॉपर्टीज गिवन है उसके अंडर भी आता है, वैसे भी हर उसमें आता है, इट इज इजी टू कैलकुलेट। अब एवरेज इज इजी टू कैलकुलेट है। नेक्स्ट है अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड मीन क्या है। द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n+1/2, ठीक है। ये इसका मीन आता है, अगर आप इसका सम करते हो, जो आपके फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, n(n+1/2), ये इसका बेसिकली आपका कहलाता है, जो बेसिकली आप सम करते हो फर्स्ट नेचुरल नंबर का। मीन हमारे पास n+1/2 होता है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास, द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज लीस्ट। ये मैं आपको बार बार बताती रही हूँ कि ये इसकी हमारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास बेसिकली सेकंड प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। लीस्ट भी कह सकते हो, मिनिमम भी कह सकते हो, पता है आपको। देखें ये देखिए, समेशन x-x̅ हमारे पास हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये मीन नहीं है। अगर ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा ये मीन ही होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, अगर 0 होता है तो ये मीन है, अगर 0 लेट्स सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू -15 वैल्यू आ गई, लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ मेरे साइड पे, तो ये फिर मीन नहीं होगा, ये फिर ए होगा। ए का मतलब होता है कोई एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, एनी अज्यूम वैल्यू, फिर यहाँ पे वो होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे 0 होगा तो ये मीन होगा, ये पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी में इसी का स्केयर हो जाता है, सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। ये मैंने आपको बताया था बार बार कि सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम, ठीक है। मिनिमम भी कह सकते हो आप उसको, और लीस्ट भी कह सकते हो, तो दोनों ही एक ही चीज के नाम है, मिनिमम कह लें या लीस्ट कह लें। इनफिनिटी, जीरो या नॉन ऑफ दीज तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अब देखो लाहौर बोर्ड में रिपीट हुई सारे, बेसिकली पिछला वाला भी लाहौर बोर्ड में आया हुआ था ये भी, तो आपने अच्छे तरीके से देख लेना। नेक्स्ट वाला भी देखिए 2021 में लाहौर में आया हुआ है, और तो इसको भी अच्छे तरीके से देख लेना। नेक्स्ट 2023 के सारे एमसीक्यूज और सारा पास पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पिछले 10 सालों के देख रहे हैं, उसके बाद हम 2023 वाले पेपर से भी आएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आता है द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0। अभी जो मैंने बताया पहली प्रॉपर्टी वो है, और ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी होगी, इन दोनों को अच्छे तरीके से कर लेना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है और एमसीक्यूज में भी आई हुई है, जो जो चीजें मैं मार्क कराती हूँ, तो आपने देखा होगा वही आई हुई है यहाँ पे। अच्छा, इफ एक्स बार इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 6+2x, देन y बार विल बी, y बार बताना है। अब हम देखो हमारी जो बेसिकली मैथमेटिक की प्रॉपर्टी है, या फिर मीन की प्रॉपर्टी, या एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी मैं कह सकती हूँ, मैंने दोनों साइड पे मीन अप्लाई कर दिया, तो ये y बार बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कि ठीक है, मीन में हमारा ये 0 नहीं होते कॉन्स्टेंट, लेकिन अगर ये हमारा वेरियंस दोनों साइड पे अप्लाई करती, तो ये वाला आपको पता 0 हो जाता। अब मैंने क्या करना है, 6 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2x बार की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगी अपनी, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 20, 20 में 6 ऐड किया तो क्या बन जाएगा, 26। याद रखने ऐसे एमसीक्यूज बहुत आ जाते हैं, तो आपने देखना है कि आपको x बार गिवन है, आपने उसमें नेक्स्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, उसको दोनों साइड पे
मीन अप्लाई करके जहां पे अखबार आता है उस जगह पे अखबार को पुट करके वाई बार सोल्व करना है आपको, ठीक है। और दोबारा समझ रहा है तो दोबारा से वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, जिसके बाद आते हैं मीन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इटसेल्फ। अभी मैंने आपको बताया अगर मीन की प्रॉपर्टी में आप अप्लाई करते हो मीन तो वो कॉन्स्टेंट इटसेल्फ रहता है, लेकिन अगर ये वेरियंस होता तो ये कॉन्स्टेंट में क्या बन जाना था, जीरो। बार बार बताती रही हूँ, कॉन्स्टेंट ऑफ वेरियंस ऑफ कॉन्स्टेंट का जो बेसिकली वेरियंस होता है वो हमेशा जीरो होता है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास है 5 5 वैल्यू, बाद में 5 5 5 एंड मतलब 3 काफी है, चलो ये है। अब मैं कहती हूँ कि इसका मीन निकाले तो मीन भी आपका 5 आएगा, अगर मैं कहती हूँ इसका मीडियन निकाले तो वो भी 5 आएगा, अगर मैं कहती हूँ मोर तो वो भी 5 आएगा, ठीक है। वो 5 आ गया जो आपकी मैयर स्टैंडर्ड एरेंसी है। अब मैं कहती हूँ कि मैयर डिस्पर्जन में वेरियंस निकाले था, तो इसका वेरियंस कॉन्स्टेंट का वेरियंस हमेशा हमारे पास क्या होता है, जीरो। ये चीज याद रखनी, आपकी नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगी और वैसे भी कॉन्स्टेंट का वेरियंस जीरो होता है, लेकिन अगर आप इसका मीन करते हो कॉन्स्टेंट का तो वो इटसेल्फ खुद होता है। अच्छा जी, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास 8th वाला MCQ, मीन ऑफ अ कॉन्स्टेंट के इज के, ठीक है। के हो या कोई कॉन्स्टेंट, 6 हो, 5 हो, 4 हो, उसका मीन निकालोगे तो वही रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट का मीन इटसेल्फ रहता है। है द सम ऑफ डेविएशन इज जीरो व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम, किससे लें, अरिथमेटिक मीन से। उन्होंने देखो दो तरह से तरीके से पूछ सकते हैं, उन्होंने कह दिया सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज जीरो, यहां पे ये कह दिया डायरेक्ट, और यहां पे कह दिया सम ऑफ डेविएशन इज जीरो, आंसर बता दिया जीरो है, लेकिन किससे डेविएशन नहीं तो होता है तो अरिथमेटिक मीन, ठीक है। कान जैसे पकड़े इधर से एक ही बात है, तो दोनों तरह से आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, आप में इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। अच्छा जी, इसके बाद आता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस आर अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज से कौन सी एवरेज अफेक्ट होती है, अर्थमेटिक मीन आपको पता है अफेक्ट होती है अगर कोई हमारे पास डाटा में, जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देती रही हूँ, बार बार क्लास में आपके सारी क्लास के मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, कोई एक आधे बच्चे के मार्क्स जो है कम आ गए तो उसकी वजह से फिर आपकी एवरेज बिलो हो जाती है। कोई भी चीज़ हो जिसमें आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू या छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए उससे डाटा अफेक्ट होता है मीन के केस में, बाकी इसमें नहीं होता। मिशन वाई माइनस वाई बार इक्वल टू जीरो हमने अभी देख लिया था, देखो थर्ड तरीके से पूछ लिया, उसी प्रॉपर्टी को तीसरे तरीके से पूछ लिया, आपकी रिपीट कर करके ना आपको एमसीक्यूज आपको अच्छे तरीके से ही करवा देंगे। मैथमेटिक मीन ऑफ 2 4 6 इज, अब हमें पता है इसका मीन क्या होगा, हमने ऐड किया तीनों को, 3 को डिवाइड किया, हमारे पास 4 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, अब एन हमारे पास 10 है, वाई बार 20 है, तो हमने देन समेशन वाई इज, हमने समेशन वाई निकालना है इसमें से, हम अपना जो है फॉर्मूले के मुताबिक देखेंगे, समेशन वाई ओवर एन होता है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वाई बार, वाई बार का फॉर्मूला ये होता है वाई बार इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन। अब वाई बार का जो है वो है हमारे पास 20 आंसर, और एन का आंसर है हमारे पास 10, समेशन वाई हमने बताना है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, इस 10 को भी 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200। तो यही हमारा आंसर है 200, देखने इसमें सी पार्ट में हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, समेशन वाई। तो अब आप देखो दो चीजें गिवन हो तो आप तीसरी चीज को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, कभी कभी आपको एन कह सकते हैं फाइंड करने के लिए, आपको क्वेश्चन एक्स दे देंगे, वाई बार दे देंगे, कह देंगे एन फाइंड करो, तो आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर, फॉर सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिशन, अब देखो वही चीज आ गई जो मैं आपसे पूछ रही थी, मिशन वाई माइनस 20 इक्वल टू 25। अब बताएं मुझे इसमें हमारे पास, उन्होंने कहा है फाइंड द मीन, देन मीन इसमें, इन दोनों में मीन बताना है, इसमें मीन क्या होगा, जब ये मैंने कह दिया साइड पे जीरो होगा तो मीन होगा, जीरो तो है ही नहीं, इसका मतलब ए है, ए का मतलब होता है एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, इसको एक तरह से हम सॉल्यूशन डी भी कह सकते हैं, ये एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू है, लेकिन ये हमें पता है जीरो है तो ये हमारे पास मीन ही होगा, तो इस केस में हमारे पास मीन क्या है, 18 है, ठीक है। इस केस में मीन आप नहीं निकाल सकते, इस केस में आपका मीन क्या है, 18। ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार आता है, ये चीज अच्छे तरीके से बैठा ली है, जीरो होगा तो मीन होगा, ये मैंने आपको दिया था दिसंबर टेस्ट में, उसके 2 3 बच्चों ने सही किया था, और जी हालांकि मैं आपको क्लास में बार बार बताती रही हूँ कि अगर इस साइड पे जीरो होता है तो ये मीन कहलाता है, अगर यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो फिर वो मीन नहीं होगा, फिर वो ए होगा, ठीक है। हाँ मिस्री, जी, अगर दोनों वैल्यू में 0 0 आ जाए तो तो हो ही नहीं सकता, मैं ये देखो आप लेट्स सपोज कह रही हो मिशन, अच्छा हाँ वो भी चलो कह लो, लेट्स सपोज आप कह रही थी ये जीरो हो जाए और यहाँ पे भी जीरो आ जाए, ये कह रही हो, तो फिर आपके इस केस में मीन जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो, जी सारी वैल्यूज, आप भी इसका मतलब है सारी वैल्यूज आपकी 0 0 0 0 है, ठीक है। तो आपने डेविएशन जीरो जी की जीरो से ली तो आपका जीरो आंसर ही आएगा। चलिए जब नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू उस पर,
इफ मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 8, द सम ऑफ द नंबर्स, आपने नंबर बताना, सेम वही ऊपर वाली बात ही है। अब यहाँ पे मैं आपको मार्क करवा दूँ, ये आपके पास उन्होंने कह दिया मीन, ये आपके 10 नंबर्स आएंगे, आपके पास n हो जाएगा और ये उसका मीन हो गया, एक्स बार हो गया, लेट्स सपोज। अब सम ऑफ दीज नंबर बताना, तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू, अब एक बार दो बार करके बता देते हैं, बाकी फिर आपने खुद ही करना, चीज़ें रिपीट होंगी इसमें। क्वेश्चन एक्स ओवर क्या हो जाएगा एन, अब एन हमारे पास है, हमें पता है एन हमारे पास है 10 और मीन हमारे पास है 9 और ऊपर समीशन एक्स आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। समीशन एक्स का आंसर आ गया हमारे पास 90, यही हमारा आंसर है, ठीक है, 90 हमारे आंसर है। इसके बाद आता है ये फॉर्मूला, याद रखना फॉर्मूले को, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की हुई है। 17, सैंपल मींस एक्स बार इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला ऑल ऑफ दिस, आपको पता है ये हमारा होता है ग्रुप डाटा का फॉर्मूला, ये हमारे पास होता है बी वाला फॉर्मूला, ये हमारे पास होता है एच वाला यू वाला फॉर्मूला, तो सारे ही फॉर्मूले आपके पास लगते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, ये एच जो है ना यहाँ पे आता है, मल्टीप्लाई बाय एच यहाँ पे आता है, ये इन्होंने थोड़ा सा गलत किया हुआ है, ये फॉर्मूला डी के अकॉर्डिंग सही नहीं है और ये वाला फॉर्मूला सही है, तो कोई एक मिनट में आपको ये कंफर्म करके यहाँ से दिखाती हूँ कि आप इसको खुद वो देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए, हमारे पास अभी मैंने आपको कहा था डी का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए समिशन एफ डी ओवर समिशन एफ, मल्टीप्लाई एच इसके साथ ही होता है, मल्टीप्लाई एच होता है हमारा यू के साथ, याद रखना है हमेशा एच मल्टीप्लाई होगा यू के साथ, डी वाले के साथ कभी भी एच मल्टीप्लाई नहीं होता। इसका क्या, ए प्लस समिशन एफ डी ओवर समिशन एफ, और ये ए प्लस मिशन एफ यू ओवर मिशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं आती हूँ यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इन्होंने कहा हुआ है, ये मतलब एमसीक्यूज में आंसर कभी कभी गलत भी होते हैं, आपके हमेशा 100% सही रिजल्ट मतलब नहीं भी होते। अब यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए मिशन एफ एक्स ओवर मिशन एफ, क्योंकि ये वाला एच तो यहाँ पे आता नहीं, अगर ये वाला एच यहाँ पे यू वाले के साथ होता, लेट्स सपोज ये वाला यहाँ पे होता मल्टीप्लाई बाई एच, और यहाँ से एच ना होता तो मैं कह देती ऑल ऑफ दी, क्योंकि हमारा जो सैंपल मीन है तीनों तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो बेसिकली इनकी जो है फॉर्मूला में मिस्टेक है, तो हमारा आंसर ये होगा। आपने ध्यान से देखना है, अगर आपका ये रिजल्ट भी ठीक है, ये रिजल्ट भी ठीक है, तो आपने ऑल ऑफ दीज कर देना है, अदरवाइज यहाँ पे आपका आंसर ये वाला बन रहा है, ये दोनों तो आपके गलत फॉर्मूलाज भी बने ना, तो हम ऑल ऑफ दीज कैसे कह सकते हैं, कर सकते हैं हम हर तरह से, लेकिन ये फॉर्मूलाज गलत है। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18 पे, एवरेजेस आर अफेक्टेड बाई चेंज ऑफ, क्या होता है स्केल से और ओरिजिन से चेंज होता है या बोथ से चेंज होता है, इसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे, पहले देख लेते हैं, तो एवरेजेस आर हमें पता है दोनों से वैसे चेंज होता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे देखने प्रॉपर्टी होगी, मीन इज अफेक्टेड बाई चेंज ऑफ ओरिजिन, द मीन इज अफेक्टेड बाई चेंज ऑफ स्केल, तो दोनों से चेंज होता है, हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया बोथ। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे पास 19, इफ एक्स वन इज दिस एक्स टू इज दिस द अरिथमेटिक मीन विल बी, अब आपने क्या करना है, देखो आप दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 0, तो आपका आंसर 0 सॉरी, ये देखो 20 प्लस 20 करते हैं तो 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, दो वैल्यूज को हमने ऐड किया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। आपने यहाँ पे आंसर क्या कर देना है, 0, इन्फिनिटी नहीं आएगा 0 का, याद रखिएगा गर्ल्स, हमेशा समथिंग, जैसे कि मैं कहती हूँ 20 ओवर 0, तो ये इन्फिनिटी होगा, नीचे हमेशा 0 आ गया ना आपका डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में कोई भी वैल्यू होगी, 1 होगी 2 होगी कोई भी वैल्यू, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो आपका आंसर बन जाता है इन्फिनिटी, लेकिन अगर आपका ऊपर 0 है तो वो आंसर 0 रहेगा, ठीक है, ये मैथ का रूल है। अच्छा जी, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास 20, विच इज लीस्ट इफ एक्स बार इक्वल टू 100, कौन सा इसमें से कम होगा अगर ये हमारे पास 100, हमें पता है मीन डेविएशन हम लेते हैं अगर मीन से, हमारा लीस्ट होगा, तो यहाँ पे 250 150, कोई इनको लीस्ट नहीं कहना, आपने जो देखना है आपकी डेविएशन ली हुई है उन्होंने मीन से, वो वाला लीस्ट होगा, ठीक है, तो ये हमारा लीस्ट यहाँ पे है बी, जो भी डेविएशन मीन से ली होगी वो लीस्ट होगा, उसके अलावा अदरवाइज बाकी नहीं। 21 है, इफ समिशन एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो अब हमें बताना है मीन, तो हमें पता है हमारे यहाँ पे 0 एग्जिस्ट करता है, तो मीन क्या हो जाएगा हमारा 20। अच्छा इसके बाद आता है मीन इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ये भी रिपीट हो गया बार बार, एक्सट्रीम वैल्यू से हमारा चेंज होता है, इफ समीशन एक्स इक्वल टू 400 एंड वाई एक्स बार इक्वल टू 25 देन एन इज, अब ये सेम वो केस है जो हमने भी पहले देखा था, मैंने आपको कहा था ना कभी आपसे एन भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे वही बात आ गई, आपको एक्स बार गिवन है और समीशन एक्स गिवन है, अब उन्होंने कह दिया आप एन फाइंड करें, क्या करेंगे, वही हमारा मेथड, यही फॉर्मूला चलेगा, यहाँ पे हमने एक्स बार की वैल्यू लिख दी, हमारे पास 25 आंसर है,
और ऊपर जो डेविएशन आ रही थी हमारे पास 400, मतलब सम हमारे पास 400 आ रहा था और एन हमारे पास एन है जी थी। आप क्या करेंगे, इस एन को इधर ले जाएंगे और इस 25 को इधर ले आएंगे, तो हम एन को इधर रखा और 400 डिवाइड बाई 25 किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस आपने रीअरेंज करने का मतलब दूसरे तरीके से करेंगे आप। अच्छा जी, अब आता है नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास इफ एक्स इक्वल टू ए देन एक्स बार इज इक्वल टू ए। पता है आपको उन्होंने कह दिया, अगर आपके पास कोई कॉन्स्टेंट, देखो ये तीन चार तरीके से पूछ सकते हैं, उन्होंने कह दिया अगर वैल्यू आपके पास कॉन्स्टेंट है, किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर आपके पास कॉन्स्टेंट है तो उसका मीन क्या होगा, तो हमें पता है उसका मीन भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मीन कॉन्स्टेंट ही होगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो कॉन्स्टेंट मीन होगा। नेक्स्ट इज द सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय देयर नंबर इज कॉल्ड मीन। ठीक है, यहाँ पे मीन कहलाता है। इफ दिस, अब यहाँ पे हमें पता है मीन बताना, तो 25 मीन हो जाएगा। विच एवरेज कैन ओनली बी एप्लीकेबल इन क्वालिटेटिव डाटा, में हमारे पास कौन सी एप्लीकेबल होती है, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इसके बाद आता है सोशन, ये भी गलत है, विच एवरेज कैन ओनली बी एप्लीकेबल, यहाँ पे गलत है कि क्वालिटेटिव डाटा के लिए सिर्फ अरिथमेटिक मीन नहीं होता, क्वालिटेटिव डाटा के लिए तो हम मीडियन और मोड को यूजली यूज करते हैं, तो बेसिकली ये वाला एमसीक्यूज भी सही नहीं है, इसको देख लेना, क्वांटिटेटिव होता है ना यहाँ पे, तो फिर हमने करना था अरिथमेटिक मीन। अब ये यहाँ पे आ जाएगा मीडियन या मोड, इसमें से आपके डाटा के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मिशन वाई माइनस वाई बार इक्वल टू, ये हमारे पास हमें पता है कि हमेशा हमारे पास क्या होता है, मिनिमम मिनिमम। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन फॉर एक्स वन एंड एक्स टू इज, हमारे पास दो अगर वैल्यूज है उनका ज्योमेट्रिक मीन एक्स वन एक्स टू अन रूट आ जाएगा, क्योंकि अन रूट की पावर 1/2 होती है। लेट्स सपोज यहाँ पे तीन वैल्यूज हो जाती तो फिर हमारे पास अन रूट की वैल्यू हो जानी थी 1/3। ठीक है, अब दो है तो फिर आपने दो का तो फिर 1/2 होता, वो उसको अन रूट को हम 1/2 ही कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आता है नेक्स्ट, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स -2 -4 -3 0। अब हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास, यानी आपको समर टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया था शॉर्ट, और बताया था बार बार क्लास में बताती रही हूँ कि हमारे पास जो है जीरो आ जाता है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन नहीं होता, नेगेटिव नंबर हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन इम्पॉसिबल हो जाता है। अंडर रूट का आप देखो, लेट्स सपोज मैं इसका अंडर रूट देती हूँ, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट, अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू का पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं, आपके पास बेसिकली इम्पॉसिबल हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन इन केस वेन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, इसके बाद जीरो होता तो फिर आपको पता है वो जीरो कर देता है, लेकिन ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बन जाता है नेगेटिव नंबर। विच एवरेज कैन नॉट बी कंप्यूटेड इफ एनी वैल्यू इज लेस देन जीरो, आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन अगर हमारे पास नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे दो तरह से दे दिया उन्होंने, अगर नेगेटिव वैल्यू दे भी दी और कह दी कि अगर वैल्यू लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव हो जाए तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन हम पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, ये चीजें देखो मैं आपको क्लास में मार्क करवाती रही हूँ, आपको समझ आ रही होगी कि मैं जो जो बोर्ड में आई होती है वही चीजें मार्क करवाती थी। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन विल बी, अभी ऊपर हमने देख लिया था सेम वही ए बी अनुरूप के साथ, वो वन एक्स टू वैल्यू थी, यहाँ पे ए बी आ गया, तो चीज तो वही है ना, चाहे आप जो मर्जी कर लें। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर एवरेजिंग परसेंटेज द यूजफुल एवरेज इज, हमारे पास क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेटिक मीन मैंने आपको जब देखो ये भी क्लास में मैं मार्क करवाती रही थी कि हमारा डाटा परसेंटेज में आ जाए, इंडेक्स नंबर में आ जाए, तो हम बेसिकली सारा इंडेक्स नंबर परसेंटेज में ही होता है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उस केस हमारे पास ज्योमेटिक मीन बेस्ट एवरेज होती है। हमने ज्योमेट्रिक मीन के वो इंडेक्स नंबर के पेपर में देखा था चैप्टर में, और वैसे भी मैंने जब पढ़ा रही तभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो हार्मोनिक मीन है वो स्पीड डिस्टेंस की बात होता बहुत है, और आपका ज्योमेट्रिक मीन कब जब आपके पास परसेंटेज इंडेक्स नंबर इस तरह की बात हो, रेट रेशियो, तो फिर हम ये यूज करते हैं, तो ये मैं आपको साथ साथ मेंशन करवाती रही थी। अच्छा जी, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास फॉर एवरेजिंग परसेंटेज, ये तो देख लिया, नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर 4 एंड 16 इज, आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उनका अंडर रूट ले लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8 आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज ऑफ द डाटा, कौन सा जो सारे डाटा पे बेस करता है, क्यू वन भी आपको पता सारे डाटा पे बेस नहीं करता, आपने सेलेक्टिव लेना होता है, मीडियन भी नहीं करता, मोड भी नहीं करता, ज्योमेट्रिक मीन सारी वैल्यूज पे बेस करता है। अभी गर्ल्स आपने बात याद रखनी है, आपका अरिथमेटिक मीन और आपका ज्योमेट्रिक मीन और आपका हार्मोनिक मीन, ये तीनों आपके सारी वैल्यूज पे बेस करते हैं, अदरवाइज आपको पता है जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो भी सिलेक्टिव डाटा के साथ, मीडियन भी मोड भी, ये सारे सिलेक्टिव डाटा के साथ होते हैं, लेकिन अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन ये होल डाटा को कंसीडर करके बनाए जाते हैं।
है। अच्छा जिसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन 0 2 4 6 इज, इसका पता है आपको ज्योमेट्रिक मीन, मैंने कहा था 0 के लिए तो आपका 0 बन जाएगा, जैसे कि आपने सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और इसकी पावर 1/4 होगी। जब सारा कुछ ही अंदर 0 आ गया तो पावर 4 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में आपने इम्पोसिबल नहीं लिखना, 0 के केस में ये हमारे पास ये बन जाता है। हार्मोनिक मीन 0 के केस में इम्पोसिबल बन जाता है। ठीक है, याद रखना है हार्मोनिक मीन 0 के केस में और जो है ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव नंबर के केस में इम्पोसिबल बन जाते हैं। अगर यहाँ पे और इसमें हार्मोनिक मीन में नेगेटिव नंबर हो तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, और ज्योमेट्रिक मीन में अगर हमारे पास 0 हो जाए तो हम उसको हमारा आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 0 1 2, इसका भी हमें पता है यहाँ पे 0 1 2 5 9। अब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन में 0 जब दिया नहीं तो आप नॉट पॉसिबल पे कर लें, अदरवाइज अगर आंसर पे 0 होता तो हमें पता है हमारा आंसर 0 आ जाना था। अब देखो उन्होंने खुद यहाँ पे बता दिया आपको, अगर 0 वाला आंसर होगा तो आपने 0 बता देना जब आंसर आपके वैल्यूज में 0 है, अगर ये यहाँ पे इम्पोसिबल वाला है तो आपने इम्पोसिबल को प्रेफर करना है। वैसे तो नेगेटिव नंबर के लिए इम्पोसिबल होता है, 0 के लिए इसका आंसर 0 ही आना, लेकिन आपने यहाँ पे 0 मार्क करना जब आंसर में 0 नॉट पॉसिबल होगा ये वाला। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नेगेटिव वैल्यूज इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इम्पोसिबल होता है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वैल्यूज 2 4 8 इज 4, इसका एमसीक्यू मैंने आपको दिया भी था कि आपको ज्योमेट्रिक मैंने 3 वैल्यूज दे दी थी, यही था आई थिंक आपको 4 आंसर निकालना था, लेकिन कुछ बच्चों ने उसका 16 दिया हुआ, कुछ ने 0 दिया हुआ, तो आपने सही कैलकुलेट ही नहीं किया था। इसका आंसर क्या आता है 4। क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है और इनकी पावर 1/3 ले लेनी है। ठीक है, क्या करेंगे हम, तीनों को मल्टीप्लाई किया और पावर 1/3, तो इसमें से हमारे पास आ जाएगा। तो जी नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 2 8 इज 4, ठीक है, ये भी आपने कैलकुलेट करना है, अंडर रूट लेना है तो उसका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, इसका नेगेटिव है तो नॉट कैन नॉट बी कंप्यूटेड, ना इम्पॉसिबल। ठीक है, अब ये 0 नहीं लिखना आपने, जब नेगेटिव नंबर होता है तो आपने डायरेक्ट इम्पॉसिबल पे जंप कर देना। इसके बाद आता है हमारे पास इफ 10% इज एडेड टू ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ न्यू वेरिएबल इज एडेड बाय नो चेंज। अब उन्होंने कह दिया अगर आप 10% चेंज कर रहे हैं डाटा में ईच वेरिएबल में तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या होना है, कोई चेंज नहीं आना। क्यों नहीं आना, ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली आप जब करके देखोगे वैल्यूज को इंक्रीज डिक्रीज के अकॉर्डिंग ये फिर यहाँ पर नो चेंज बन जाएगा। हार्मोनिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज, आपको पता क्या करते हैं आपका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, लेट्स सपोज अगर मैं एन वाला कर दूँ, एन ओवर समेशन 1/x, क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज एंड रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला बनता है, ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आपको ए बी दो वैल्यूज गिवन है, आपने उसका हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करके ये रेंज करके आपने कुछ उसमें से ए बी वैल्यूज निकालनी है, बेसिकली ये बनता है हार्मोनिक मीन। आपने क्या करना है, देखो ए बी है ना, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, दो वैल्यूज है मेरे पास और 1/2 करूंगी प्लस 1/2 बी करूंगी, यहाँ पे ये जो मैं इन कैल्शियम लेती हूँ तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, 2 ab बन जाएगा और नीचे ए प्लस बी बन जाएगा, ये बी प्लस ए जो भी है आपके पास। देखें ये आपका आंसर आता है, अगर आपके पास दो नंबर गिवन हो तो आपने इसका से सॉल्व करके निकाला। ठीक है, याद रखिएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके बाद मिस, ये हार्मोनिक वाला दोबारा समझा दें। ये वाला हार्मोनिक मीन वाला, यस टीचर। चलो अच्छा देख लो, ये देखो अगर हमारे पास दो नंबर है, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास हार्मोनिक मीन का होता है एन ओवर समेशन 1/x, इसका आपने ये करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैंने एन को लिख दिया, मेरे पास वो दो नंबर है ना, दो वैल्यूज आ जाएगा एन की जगह पर और सम की जगह पर मैंने लेना है 1/x करके, तो मेरा देखो जैसे कि लेट्स सपोज एक्स है यहाँ पे ए और बी, उसका मैं 1/x निकालती हूँ तो वो क्या हो जाएगा 1/a, क्या हो जाएगा 1/b। ठीक है, ये मेरे दो कॉलम बन जाएंगे, तो मैं इसका से कॉलम वाइज कर दूँ, मैं यहाँ पे इसका सम निकालती हूँ तो वो क्या बन जाएगा 1/a प्लस 1/b, ये मेरा सम बन गया। अब इस सम को मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/a प्लस 1/b, ये मैंने सम लिख दिया अपना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास ये बन जाएगा 2, तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा आपको पता है, यहाँ पे एलसीएम में ए भी आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके साथ ए है बी नहीं है तो यहाँ पे इसका मतलब ऊपर मल्टीप्लाई हम 1 के साथ बी कर देंगे, बी आ जाएगा प्लस, यहाँ पे बी है ए नहीं है तो हम क्या कर देंगे 1 के साथ ए मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ये बन जाएगा।
मजीद जो ये ए बी है इसको मैं मल्टी ऊपर चला जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2 ए बी ओवर ए प्लस बी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप एक बार अपने हाथ से कर लेंगे ना तो कोई भी आपके पास वैल्यू तो आपका जो मैट्रिक हुई ठीक थैंक यू टीचर। है, तो बात नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास 44। हार्मोनिक मीन गिव्स लेस वेटेज टू लार्ज वैल्यूज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। हार्मोनिक मीन लार्ज वैल्यूज को कम वेटेज देता है, ठीक है। तो उसके आपके पास जैसे कि कोई वैल्यू होगी ना 1/100 होगी, तो आप उसको 1/100 करोगे तो उसकी आपको वेटेज कम मिलेगी। अगर कोई छोटी वैल्यू होगी जैसे कि 2 होगी 2 वैल्यू होगी 1/2 करोगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल बड़ा आएगा। तो जो जो है ना आपके पास हार्मोनिक मीन लार्ज वैल्यूज को कम वेटेज देता है। हार्मोनिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेट इफ एनी ऑफ द डेटा सेट इज जीरो, मैंने अभी आपको बताया हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर हमारे डेटा में कोई ना कोई वैल्यू जीरो हो जाए। वो क्यों? कि देखिए अगर लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 1/10, ठीक है, सॉरी 1/0, तो आपका क्या बन जाएगा? इंफिनिटी, इंफिनिटी बन जाएगा। या फिर मैं कहती हूँ लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाए 10 10/0, फिर भी क्या बन जाएगा आपके पास? इंफिनिटी। जब आपका जीरो आ जाता है डाटा में तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इंफिनिटी बन जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद इफ एनी वैल्यू ऑफ जीरो देन इट इज इन नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन, ठीक है। देखो ये दोनों तरह से पूछ लिया उन्होंने, जीरो होगा तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हार्मोनिक मीन, और अगर जीरो हो जाए तो हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, मीन मीडियन मोड बाकी सब चीजें कर सकते हैं। द मोस्ट सूटेबल एवरेज इन केस ऑफ एवरेजिंग रेट्स एंड रेशियो इज हार्मोनिक मीन। अभी मैंने आपको बताया रेट रेशियो परसेंटेज, इस तरह से मैंने आपको सारा मार्क करवाया था कि आपने कौन सा लगाना होता है। डिस्टेंस स्पीड की बात हो तब भी आपने हार्मोनिक मीन निकालना है कि आपने इतना ट्रैवल किया, ये इसका डिस्टेंस था, ये इतने किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, तो उस केस में भी हमारा यही बनता है। अच्छा 48 है हमारे पास, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द वैल्यूज। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये क्या होता है, n/1 summation 1/x, तो क्या होता है आपने मीन का भी रेसिप्रोकल कर दिया। देखो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि आपके कहते हैं समीशन x/n हमारे पास मीन होता है, जो होता है ना हमने क्या कहा यहाँ पर हार्मोनिक मीन की रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन को उल्ट कर दो तो क्या कर दूंगी, एन ऊपर आ जाएगा नीचे समीशन एक्स आ जाएगा, मैंने कर दिया रेसिप्रोकल अरिथमेटिक मीन का, ठीक है। फिर उन्होंने कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल कर दो, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया 1/x कर दिया, तो ये मेरा मामला बन गया, ठीक है। क्या है जो आपका डेफिनेशन है वही आपका फॉर्मूला है, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास मीडियन। द मीडियन डिवाइड्स द अरेंज्ड डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, आपको पता नहीं मैंने आपको बताया था बार बार, आपका जो मीडियन होता है 2 इक्वल पार्ट्स में करता है, और अगर आपका क्वार्टाइल्स होता है वो 4 इक्वल पार्ट्स में करता है। लेकिन याद रखना मीडियन 2 में करता है लेकिन वैल्यू 1 होती है, क्वार्टाइल्स 4 में करता है लेकिन वैल्यू 3 होती है। इट इज नेसेसरी टू अरेंज द वैल्यू।